इंटरनल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया लेकिन मैं अगेन आई विल जस्ट रिवाइज यू, इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस आर फोर्सेस एक्सचेंज by objects in the system. देखो मेरा एक सिस्टम है, आई हैव अ सिस्टम ऑफ सम मासेस, राइट. अब मैंने आपको बताया था इन मासेस के बीच में बहुत सारे फोर्स एक दूसरे के ऊपर लग सकते हैं. एक बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? मेरा इंटरनल फोर्स होता है. सिमिलरली एक और फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्ज के बीच में लगता है, और एक मैग्नेटिक. और ये मैग्नेटिक. अब सपोज ये तीन मासेस हैं, इनके इसका सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास, दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. सपोज ये मेरे, आई कैन राइट दिस इज एम सी एन, ये एम वन, ये एम टू, ये एम थ्री. सपोज ये मासेस है मेरे, इसमें इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक. से स्प्रिंग फोर्सेस ऑल्सो इंटरनल, जो स्प्रिंग में लगते हैं. जब ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हो सकते हैं मासेस मूव करें, दिस मास विल मूव. सी एम वन में मूव ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस. सपोज ये एम वन मूव कर रहा है, सिमिलरली M2 मूव कर रहा है, सिमिलरली M3 मूव कर रहा है. बट बिकॉज ये इंटरनल फोर्सेस है, बिकॉज ये इंटरनल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. व्हेन देयर आर इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग, व्हेन देयर आर इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग, जब इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो M1, M2, M3 जितने भी मासेस हैं, दे में मूव, दे विल मूव, दे में मूव, मूव कर सकते हैं. बट व्हाट विल मूव, नॉट मूव, माय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. सो मेरे जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो मेरे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, सेंटर ऑफ मास पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते. कितनों को यहां तक समझ में आया? ये मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, राइट? ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल है, सपोज एक तोप का गोला है, सपोज एक तोप का गोला है, वो तोप का गोला ऐसे जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस. नहीं, रिवीजन क्लास नहीं है. इट इज गोइंग 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 गोइंग. सपोज इट एक्सप्लोड्स. सपोज ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था, सेंटर ऑफ मास वॉज मूविंग. सपोज दिस वॉज सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे विच इज मूविंग. अब देखो अगर ये एक्सप्लोड होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो एक्सप्लोड होकर छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, राइट. इट विल स्प्लिट. बट सेंटर ऑफ मास आज रिविजन क्लास नहीं है. आपको चाहिए क्या रिविजन क्लास? आपने कुछ टॉपिक ही नहीं बताया रिवीजन के लिए, मैंने रखी नहीं थे. आपने बस एक बोला था प्रोजेक्ट टाइम, मैंने कवर कर दिया. मतलब क्या आपको कुछ नहीं था डाउट? तो मैं सोचा कि फिर आपका, आप घर में पढ़ो हो ना, फिर रिवीजन क्लास नीड नहीं है. जो था वो मैंने शायद कर दिया कवर. देखो सपोज ये मास एक्सप्लोड्स, दिस मास एम एक्सप्लोड्स, यहाँ पे मास एम एक्सप्लोड्स. सी मास एम एक्सप्लोड्स, मास एम एक्सप्लोड्स दिस इज बिकॉज ऑफ, ये मैंने आपको कवर करवाया था, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस. देखो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मास एक्सप्लोड हो रहा है,
तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज और विल कंटिन्यू टू बी एट सेम मोशन. ठीक है, आ रहा है समझ में यहां तक? देखो सेंटर ऑफ मास ऐसे रहेगा, ये पार्टिकल स्प्लिट हो गए लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास वही रहेगा. हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड टिल हियर इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस? आया अनघा, आदिश, गौरव, नेहा, प्रत्युष, तनुजा. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन सेंटर ऑफ मास. सपोज मैं जब ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स आर द फोर्सेस कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. Outside the system. Example. पहला example external forces का friction. मैंने बताया था applied force जो कोई आदमी लगाता है, right? ये एक external agent है. वैसे friction एक external agent है. Friction क्या? Friction में और varieties हैं. एक तो air resistance भी एक friction है. एक क्या है विस्कोसिटी, ये भी एक क्या है एक्सटर्नल एजेंट है. फ्लूइड में होता है विस्कोसिटी, आपको पता होगा राइट, फ्लूइड का फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं, पूरा चैप्टर है आपको. देखो और भी बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट होते हैं. वन मोर एक्सटर्नल एजेंट इज नॉर्मल फोर्स. एक और एक्सटर्नल एजेंट है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स. So applied force, friction, air resistance, viscosity, normal force, tension force, ये सब external agent है. Normal force रस्सी लगा रही है, वो external agent है, right? So these are some external forces which cause by some external agent. अब देखो external force क्या करता है, external force moves the center of mass. अब देखो external agent होगा तो क्या होगा, when there is external agent or we can say external force moves center of mass. आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. सपोज ये दो बॉल्स रखी है, ये m1 मास है, इसका मास m2 है. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है. सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा mcm. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टिल हियर? ऐसी रहेगा सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, राइट? अब सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, सपोज प्रत्युष है. प्रत्युष व्हाट ही डू, ही किक्स द बॉल. प्रत्युष किक्स द बॉल, ये एक बॉल है, इसको क्या करता है प्रत्युष, किक्स. प्रत्युष अब क्या होगा, ये बॉल मूव हो जाएगी. दिस बॉल विल मूव एंड इट विल कम वेयर, हियर समवेयर. अभी m1 यहां आ गया. अब बताओ सेंटर ऑफ मास क्या यहीं रहेगा या मूव करेगा? व्हाट विल हैपन टू सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास विल आल्सो मूव समवेयर हियर. दिस इज mcn, वी कैन से न्यू. सो क्या होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास मूव हो जाता है. सो व्हेनेवर देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस, the external forces cause motion in the center of mass. अब देखो center of mass कितना move करता है, कैसे move करता है, it's very easy to understand. बस आपको मैं एक simple explanation दूंगा, आप समझ जाओगे. Suppose 10 forces हैं, 10 forces हैं. Suppose there are 10 objects, sorry, 10 ज़्यादा हो जाएंगे, चलो 4 objects रखते हैं. ठीक है, ये m1, m2, m3, m4. These are my 4 objects. इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा,
MCM. Suppose mass one पे force लग रहा है इधर F1, external force. Mass two पे force लग रहा है कहीं यहां पे, क्या हो जाएगा? F2. Mass three पे force लग रहा है कहीं यहां पे, F3. और mass four पे force लग रहा है कहीं यहां पे, F4. अब सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? सी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहले सारे मास को आप किससे रिप्लेस कर दो? सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे लगा दो. पुट ऑल मासेस एट सेंटर ऑफ मास. तो मैं एक पॉइंट मास लूंगा विच इज इक्वल टू, दिस पॉइंट मास इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर. यहां तक आ रहा है समझ में? मैंने क्या किया, सारे मासेस को एक पॉइंट पे रख दिया. मैंने आपको बताया है पहले भी, वी कैन रिप्लेस होल मासेस, ऑल मासेस एट द पॉइंट बाय सेंटर ऑफ मास. कितनों का याद है? हमने क्वेश्चन भी किया था अगर आपको याद हो तो, शायद से कहीं तो पीछे, पता नहीं कहां चला गया, मुझे याद नहीं आ रहा. शायद से एक किया था, राइट? नहीं, I'm not remembering. See, here replace big masses by small masses. याद आ रहा है, ये पूरे मास को हमने एक पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे. वैसे दूसरे पूरे मास को हमने एक पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया था. How many of you remember this? How many of you remember this? अनका को याद है, right? हर्षल सबको याद है, right? तो वही मैं करूंगा, मैं पूरे सारे मासेस को एक पॉइंट पे डाल दूंगा. कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे. और ये जो सारे फोर्सेस है उसको भी सेंटर ऑफ मास पे लगा दूंगा. इन सारे फोर्सेस को भी सेंटर ऑफ मास में लगा दूंगा. देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो फोर्स F1 यहाँ लगा दो. इसका फोर्स सेम डायरेक्शन, देखो वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन कहां पे लगेगा? ये सेंटर ऑफ मास में, F1. वैसी एक फोर्स इधर लगा दो, ये क्या मेरा F3, F4 सॉरी. वैसी एक यहाँ पे F3 लगा दो और यहाँ पे फिर एक F2 लगा दो. तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सारे फोर्सेस को सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. अब देखो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस. सारे का फोर्सेस का सम एंड सारे मासेस का एडिशन, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? नाउ सपोज आई टेक टू मासेस, दिस इज 10 केजी, दिस इज 20 केजी. इन दोनों का डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है? नाउ व्हाट आई डू, आई अप्लाई इन राइट साइड एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड हियर आई अप्लाई अ फोर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 5 न्यूटन. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. Now see, it's very easy to find. क्या करेंगे? सारे मासेस को कहां पे पुट कर देंगे? सेंटर ऑफ मास में. सपोज ये मेरा एक सेंटर ऑफ मास है, कहीं यहां पे होगा, राइट? इधर पे, ठीक है? टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास 30 केजी आएगा सेंटर ऑफ मास पे. अब देखो जब हम फोर्सेस लेते हैं तो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, राइट? अब देखो राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे? 10 न्यूटन. लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? लेफ्ट साइड में लग रहा है 5 न्यूटन. अब बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? पहले टोटल नेट फोर्स, देखो सम ऑफ फोर्स, देखो सम ऑफ फोर्स 15 नहीं होगा, सम ऑफ फोर्स क्या होगा? ये राइट साइड का फोर्स है, लेफ्ट साइड का फोर्स है एंड सम ऑफ मासेस. सम ऑफ फोर्स कितना होगा? 5 डिवाइड बाय मास 30. आया शिवम?
ठीक है, देखो वेक्टर है ना, म्यूट कर लो, 10 न्यूटन राइट साइड जा रहा है, 5 न्यूटन लेफ्ट साइड जा रहा है, तो बच्चा कितना, 5 न्यूटन राइट साइड की नहीं, वेक्टर भूल गए क्या? यस सर, यस सर, याद आ गया। कितनों को आया समझ में? अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 विच इज इक्वल टू 0. आप डेसिमल में ले सकते हो, 0.166 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मेरा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा, किस साइड में एक्सेलरेट होगा, किस साइड में एक्सेलरेट होगा, राइट साइड में, राइट साइड में, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स राइट साइड में, मतलब इनिशियली मेरा सेंटर ऑफ मास ये था, इनिशियली सपोज सेंटर ऑफ मास यहां था, अब सेंटर ऑफ मास मूव होगा, कहां चले जाएगा थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम इट विल मूव हियर, आफ्टर सम टाइम अगेन इट विल मूव हियर, आफ्टर सम टाइम इट विल मूव हियर, आफ्टर सम टाइम इट विल मूव हियर, ऐसे करके सेंटर ऑफ मास मूव करेगा राइट साइड में, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, अ बॉडी ए ऑफ मास एम व्हाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, बॉडी बी ऑफ मास 1/3 m एंड बॉडी सी ऑफ मास 2/3 m, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट्स कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सपोज मेरी एक बॉडी है, बॉडी ए, सपोज दिस इज बॉडी ए, इट इज फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ मास एम, इट इज फॉलिंग, फॉलिंग करते करते ब्रेक हो गई, फॉलिंग करते करते ब्रेक हो गई, कितनी बॉडीज में, दो बॉडीज में, सपोज दो बॉडीज में ब्रेक हो गई, बॉडी बी एंड बॉडी सी। अब देखो बॉडी बी का मास क्या हो गया, वन बाय, बॉडी बी का मास हो गया एम बाय थ्री, बॉडी सी का मास हो गया 2m/3। अब बोल रहे हैं व्हाट विल बी द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बॉडी ए गिर रही है, दो पे ब्रेक हुई, बॉडी बी एंड बॉडी सी, बॉडी बी m/3 हो गया, बॉडी सी 2m/3 हो गया, ये ब्रेक हो गई दो पार्ट में, आफ्टर ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स व्हाट विल बी द मोशन और व्हाट विल बी द शिफ्ट। सेंटर ऑफ मास देखो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा था, इनिशियली सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था, राइट, यहाँ पे बीचों बीच चल रहा था, ये सेंटर ऑफ मास जा रहा था, जैसे ये ब्रेक्स होते हैं व्हाट विल बी द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, व्हाट विल बी शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, आप बताओ सेंटर ऑफ मास में क्या शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं, नो शिफ्ट, व्हाई, बिकॉज दिस इज ड्यू टू, क्यों टूटे ये इंटरनल फोर्स की वजह से टूटे, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ मास विल गो डाउन लाइक दिस, सो देयर विल बी ए, नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। कितनों को आया समझ में ये? आया? तीन बच्चों को आया, बाकी अनवय, भक्ति, आया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन, टू मासेस हैविंग ऑपोजिट चार्ज starts to move towards each other due to force of attraction. Find the acceleration of center of mass. Two bodies having opposite charge starts to move towards each other due to force of attraction. Force of attraction मतलब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होंगी, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब बताओ आप, ये पहले बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज विच फोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल? हाँ इंटरनल, इंटरनल इंटरनल. अब आप बताओ इंटरनल फोर्स लगता है तो सेंटर ऑफ मास मूव होता है क्या? डू सेंटर ऑफ मास मूव व्हेन देयर आर इंटरनल? नो सर, नहीं होता. नो, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होता. अब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं हो रहा तो क्या वो एक्सेलरेट होगा? सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं हो रहा तो क्या वो एक्सेलरेट होगा? नहीं. नो सर. देखो इंटरनल फोर्स, जस्ट वेट अ मिनट, फोन इज कमिंग. ठीक है, इंटरनल फोर्स, यस वेरी गुड. इंटरनल फोर्स मतलब नो मोशन, नो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट पार्ट हो गया. ओके, वेयर द टू बॉडीज विल कोलाइड. अब ये बॉडीज मेरी मूव कर रही है, ये बॉडी मेरी मूव कर रही है. अब बताओ ये बॉडी कहाँ कोलाइड होगी? एट सेंटर ऑफ मास. कॉमन सेंस है राइट? दो बॉडीज कहाँ कोलाइड होंगी? सेंटर ऑफ मास. हमेशा याद रखना, जब बॉडी इंटरनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होती है, जब बॉडी इंटरनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होती है तो कहाँ पे मिलेंगी वो? सेंटर ऑफ मास पे. सो दिस बोथ बॉडीज विल कोलाइड कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड, यू कैन इवन फाइंड द सेंटर ऑफ मास की पोजिशन. अब देखो सपोज ये डिस्टेंस एक्स है. अब एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स इज इक्वल टू 20 × 5/30. किसी को याद आ रहा है हम कैसे निकालते थे? कितनों को याद है क्या किया मैंने? याद आ रहा है कुछ? याद है? अगर मैं इधर से डिस्टेंस लेता हूं तो 5 इंटू दूसरा मास अपॉन ऐड करते थे. वैसे अगर मुझे y निकालना है तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 × 5/30. टोटल मास से डिवाइड कर दो और जो डिस्टेंस है उसको उल्टे ऑपोजिट मास से मल्टीप्लाई कर दो. ये आंसर आ गया 5/6 = 20/6 हो जाएगा x, या फिर 10/6. सो यहाँ पे मेरी बॉडी कोलाइड हो जाएगी, यहाँ पे मेरी बॉडी कोलाइड हो जाएगी. दोबारा बताना सर. हाँ दोबारा बताना है, पर कैसे निकालते थे? दोबारा बताऊं? एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपके एग्जाम चल रहे तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है तो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं बहुत आराम से भी चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं. मैं रिवाइज करवा देता हूँ. मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है. ये रहा. देखो सपोज दो बॉडी 6 kg और 4 kg की. अब ये सेंटर ऑफ मास है. अब मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजिशन निकालनी है. तो देखो ये एक्स वन है. एक्सन कैसे निकालते थे? तो डिस्टेंस है. अब देखो 6 kg से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा? तो टोटल डिस्टेंस 20 को ऑपोजिट मास से मल्टीप्लाई करूंगा. 20 × 4/ टोटल मास. टोटल मास कितना हो जाएगा? 10. आंसर 8 है. वैसे अगर मुझे फोर्स से निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो क्या करूंगा? 6 × 20 अपॉन दोनों का सम अपॉन 10, 12 आगे. आया शिवम? याद है? क्या हो गया? चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन. टू मासेस हैविंग ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ 10 N टुवर्ड्स ईच अदर. बॉडी ऑफ मास 10 kg टाइड बाय अ रोप टू द बॉल. ये रोप है राइट? Find the initial acceleration of center of mass. Find the acceleration of center of mass. ठीक है. अब देखो, अब इसमें forces क्या-क्या लग रहे हैं? Tough question है, बहुत easy है. देखो, एक तो internal force लग रही है एक दूसरे पे, क्या? 10 N के, right? अब देखो, इतना हमें पता है, internal force तो center of mass पे कुछ effect करेंगे नहीं.
तो इसका कोई रोल ही नहीं है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इंटरनल फोर्स है. दे विल नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास. अब देखो ये ऑब्जेक्ट है. अब ध्यान से देखो, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं. बट इफ यू केयरफुली सी 20 केजी का मास मूव करेगा बट 10 केजी का मास मूव नहीं करेगा. क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि इट इज टाइड विद अ रोप. तो रस्सी इस पे फोर्स लगाएगा. रस्सी इस पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन ऑपोजिट टेंशन. यहां तक कितने को आ रहा है? रस्सी उस पर उल्टा 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा लेफ्ट में. ठीक है, अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब देखो, मैंने आपको बताया टेंशन इज एक्सटर्नल फोर्स, राइट? नॉर्मल इज एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स. ये सारे क्या है? मेरे एक्सटर्नल फोर्स है. मतलब जो ये टेंशन लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. अब मैं इन दोनों मासेस को सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा. सपोज इसको मैं फिगर को सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास मूव करेगा. सपोज ये सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास में मैं कितना वेट रख दूंगा? 30 केजी. और इस पे फोर्स लग रहा है कितना? टेंशन का फोर्स लगा दो. कितना? 10 न्यूटन. सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 10 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि सेंटर ऑफ मास मेरा लेफ्ट से मूव करेगा. तो देखो, ये जो टेंशन है, ये सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया मैंने. ये सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया. आया समझ में? कितने समझ पाए क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? गौरव आया, जयदीप, प्रत्युष, साहिल, संकेत, तनुजा, शिवम, यस, आई लगे ना एक्सप्लेन. अब देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. देखो, ये दोनों इंटरनल फोर्स है. तो इंटरनल फोर्स क्या करेंगे? नो इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास. बट जो रस्सी का टेंशन है, जो ये टी लग रहा है 10 न्यूटन का, जो 10 न्यूटन का टी लग रहा है, टी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज एक्सटर्नल फोर्स. क्यों? क्योंकि सिस्टम के बाहर है ना. रस्सी तो सिस्टम के बाहर है, सिस्टम तो इन दो मास का ही है. अब देखो, ये दो मास एक दूसरे पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं. तो इंटरनल मास की, इंटरनल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्सटेंड बाय ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम. तो सिस्टम के फोर्स आपस में लगाते हैं, वो इंटरनल फोर्स है. एक्सटर्नल क्या है? सम एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. तो इस केस में क्या है? ये रस्सी इज एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज टेंशन, रस्सी का टेंशन जो ये फोर्सेस को अपोज करेगा ना. आपको याद है, जब रस्सी में आप बॉल लगाते हो 10 केजी का, mg कितना लगता है? 10 × 10 100 न्यूटन. तो टेंशन कितना लगता है? 100 न्यूटन. आया कि नहीं? वैसे ये राइट साइड इसमें लग रहा है 10 न्यूटन. तो रस्सी 10 न्यूटन लेफ्ट साइड लगेगा. तो रस्सी 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट है, एक एक्सटर्नल एजेंट है. ठीक है. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे 30 केजी, मतलब सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दो, राइट? और फोर्स लगाओ, सारे फोर्स एक ही फोर्स है तो एक्सटर्नल है. कितना? 10 न्यूटन का. 30 केजी पे 10 न्यूटन लेफ्ट लगाओ, क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 10/30 विच इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आया जयदीप? आ गया. चलो, वेरी गुड. तो ठीक है, फटाफट एक क्विक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज एवरेज पोजीशन ऑफ इट्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव.
पहले का आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द एवरेज पोजीशन ऑफ इट्स मास, मास का एवरेज पोजीशन, वेरी गुड। सो ये आपका आंसर सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन ए लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन बी मे लाई विद इन आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, सी लाइज ऑलवेज इन साइड द बॉडी, डी lies always on the surface of the body. C, C को हमने lock कर दिया। Oh, आपका answer गलत है, आपका answer गलत हो गया। Audience poll लेते हैं, audience poll है B, audience का poll correct है। शिवम का दूसरा answer भी गलत, शिवम is disqualified from KBC. चलो ठीक है, ये सब मैं फ्रेंड्स को फोन करो, बोलो क्लास में आए, आधे ही बच्चे हैं। आई वुड बी हैप्पी इफ यू फोन योर फ्रेंड एंड कॉल देम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल फोर्सेस, ऑप्शन सी सम ऑफ बोथ, ऑप्शन डी नन। क्या क्या बोला आपने? दो मिनट। अच्छा सोच लो, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस। अरे इतना पढ़ाया है, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस डोंट कॉज। Okay, the center of mass of rigid body lies inside body, outside body, neither A nor B, either A or B. ये तो पढ़ा है, right? Center of mass of body lies either inside or outside. ये repeated question. ठीक है. So आपका question आता है 50 lakh का. The center of mass of two particles lies on the line joining the particles, option A, option B perpendicular to the lines joining the particles, option C at any angle to this line, option D none of these. Center of mass of two particles lies on the line. क्या होता है, देखो दो मासेस हैं, उनके उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा दोनों को ज्वाइन करके आता है। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस। अगर आप देखो दो मासेस है, उसको स्केल रख के ज्वाइन करो, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? लाइन ज्वाइनिंग। मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, तो मैंने ही आंसर बता दिया, तो 50 लाख मुझे मिल गए, ठीक है। सो 50 लाख मिलते हैं मुझे खुद को, तालियां। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मून लाइज closer to earth, closer to moon, at the midpoint on the line joining earth and moon, or next is cannot be predicted. देखो जो जो गलत बोल रहा है मुझे 50 लाख रुपए देगा, whoever is telling wrong will give me 50 lakh. तो मुझे देगा हर्षल, will give me 50 lakh. नहीं हर्षल का सही है, अनका will give me 1 crore, सत्यम will give me 2 crores. So, always closer to earth. आपको लग रहा है प्रॉपर्टीज रिवाइज करानी पड़ेगी, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो पहले क्या, सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। मैंने रिंग का एग्जांपल दिया था, बूमरैंग का एग्जांपल दिया था, राइट? सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी, डिस्क में इनसाइड,
सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बताया था आपको मैंने, शेप चेंज करोगे सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर देखो लकड़ी है पूरी, ये ऑब्जेक्ट पूरा स्केल लकड़ी का है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। अगर आयरन है और आधा लकड़ी है तो क्या होगा, आयरन की तरफ शिफ्ट होगा। यस, टू बॉडी, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू हैवी बॉडी, बताया था कि नहीं आपको। देखो ये 2 kg है, 3 kg डिस्टेंस निकालो, x1 6 आया, x2 4 आया, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू विच बॉडी, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवी बॉडी। फॉर टू बॉडीज सेंटर ऑफ मास इज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू मासेस। शिवम आपने मुझसे पूछा था सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था। अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉडी, जैसे अर्थ एंड हम, अर्थ एंड वी कैन से सत्यम। देखो इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर पे रहेगा, बिकॉज अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा अर्थ के मोशन, ठीक है ना। बट आई एम टेलिंग दैट प्रैक्टिकली मासेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस ऑलवेज एन एक्सेप्शन। तो ठीक है आगे फिर चलते क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, इज इट ट्रू और फॉल्स। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ बॉडी, इज इट ट्रू और फॉल्स। सोच समझ के, वैसे केबीसी में ट्रू और फॉल्स नहीं होता लेकिन जब, अरे सपोज ये स्केल है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज लेंथ 10 है, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 5 पे। अब मैंने स्केल को तोड़ दिया आधा और मोड़ दिया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 2.5 पे होगा कि नहीं। शेप चेंज किया, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा कि नहीं, डिपेंड्स हो कि नहीं, ट्रू हो गया कि नहीं, पढ़ाया था। तो ठीक है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बी इज ट्रू और फॉल्स, बी इज ट्रू। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यस इफेक्ट करता है। अब मैंने आपको बताया था अगर लकड़ी का स्केल है, आधा लकड़ी है आधा आयरन है, तो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अगर पूरा लकड़ी का तो बीचों बीच, यस ट्रू। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन, ट्रू। तीनों ट्रू, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर, ट्रू एंड फॉल्स। सेंटर ऑफ मास कैन कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास कैन कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या मेरा सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर से कोइंसाइड हो सकता है, इज इट पॉसिबल? यस, एग्जांपल सर्कल। देखो सर्कल का सेंटर बीचों बीच एंड सेंटर ऑफ मास बीचों बीच, अर्थ भी एग्जांपल ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली अर्थ का सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच रखते हैं। स्क्वायर, यस वेरी गुड एग्जांपल, स्क्वायर, स्क्वायर में भी
देखो डायगोनल इंटरसेक्ट होती है, स्क्वायर का सेंटर भी यहाँ पे, ज्योमेट्री का सेंटर भी यही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज डज नॉट लाई ऑन अ लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। फॉल्स राइट, इट शुड लाई। अभी पिछली बार मैंने क्वेश्चन करके बताया था कि दो मासेस को जॉइन करोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लाइन जॉइनिंग। ठीक है नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास शुड ऑलवेज लाई ऑन द बॉडी। सेंटर ऑफ मास शुड ऑलवेज लाई ऑन द बॉडी, अन्य का डाउट है आपको? सी मास कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, आप देखो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हो कि नहीं, यू ऑलवेज ज्वाइन सेंटर टू सेंटर। मैंने बताया था कि नहीं, सेंटर ऑफ मास बड़े बड़े सर्कल्स का या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फाइनली आप सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन करते हो। सपोज एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, इसका आप कैसे ज्वाइन करोगे? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे, राइट? ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास हो गया। स्क्वायर का कहाँ होता है? डायगोनल से, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी? इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग ऐसे होगी। ए इज करेक्ट, राइट? कहाँ पे होगी? ये यहाँ पे कहीं होगा। तो देखो जब भी बड़ा मास हो उसको सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दो, वैसे ही एक बड़ा मास को सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दो, इन दोनों का लाइन बनाओ। ओके, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, सिमेट्री, पोजीशन, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। चलो ठीक है, आप बताओ किस किस फैक्टर पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है? देखो सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन मास, यस इट डिपेंड्स ऑन मास। सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। देखो ऑब्जेक्ट को मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हूं तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सपोज यहां है, अब मैं सिमेट्री चेंज कर देता हूं, इनको लाइन पे लगा देता हूं तीनों को, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको बड़ा सा ट्रायंगल बना दूंगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग व्हेन आई एम चेंजिंग द सिमेट्री, राइट? व्हेन आई एम चेंजिंग द सिमेट्री सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग। तो इस पे भी इफेक्ट होता है, ये गलत ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन। पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स पे भी इफेक्ट होता है, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर दो। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स का मतलब क्या है? व्हेन पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, देखो इसका आंसर डी होगा। ओके नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, टू पार्टिकल्स m1 एंड m2 अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ पार्टिकल्स आर इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट एंड देन रिलीज, द सेंटर ऑफ मास विल। यस, आई विल अगेन एक्सप्लेन। टू पार्टिकल्स m1 m2 अट्रैक्ट ईच अदर with the force inversely proportional to square of distance between them. If particles are... You are correct. Yes, I will explain that, Harshal. I'll explain. If particles are initially at rest and then released, the center of mass will... remains at rest. Very good. फाइनली क्या बोल रहा है? दो मासेस है m1 m2, उस पर कोई फोर्स लग रहा है,
कौन सा फोर्स है? इनवर्स स्क्वायर फोर्स. इनवर्स स्क्वायर फोर्स मतलब मेरे तीन फोर्स होते हैं, क्या क्या? ग्रेविटेशनल तो हमने पढ़ लिया है, फिर एक दूसरा क्या, मैग्नेटिक, फिर तीसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये सारे कौन से फोर्स है? इंटरनल. अब देखो जब इंटरनल फोर्स लग रहा है ही, तो सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ठीक है. आज मैं सोच रहा हूं आपको कौन सा वीडियो दिखाऊंगा, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा. चलो ठीक है. अस ठीक है. अ शेल ऑफ फॉलोइंग, अ शेल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोर समवेयर इन इट्स फ्लाइट. एक ऑब्जेक्ट है पैराबोलिक पाथ में, आप कोशिश कर सकते हो आंसर. एक्सप्लोर समवेयर, ऑब्जेक्ट का पैराबोलिक पाथ था. सपोज ऑब्जेक्ट था यहाँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया. ये आपको मैंने पहले से ही बताया, राइट? इसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ में. सपोज ये इंटरनल फोर्सेस से एक्सप्लोड हो गया, लेकिन इंटरनल फोर्स है ना, तो क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक ही रहेगा. डी इज द आंसर. सो डी मेरा आंसर होगा. यहां तक क्लियर है सबको? पैराबोलिक शेप, ये पैराबोलिक होता है. कटोरा, कटोरा इज पैराबोलिक, ठीक है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है 10th क्लास में पढ़ा था मैथ्स में, कुछ ऐसा आता था, याद आ रहा है जयदीप? पैराबोला हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अलग चीज है. तो ये पैराबोलिक है, दिस इज पैराबोलिक, दिस इज पैराबोलिक. ये भी पैराबोलिक है, उल्टा कटोरा, इसको उल्टा कर दो. चलो गुड, ठीक है. अब ये आपको मैं फटाफट पढ़ाता हूँ, फिर इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे. देखो चार टाइप के मोशन होते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे क्या, ट्रांसलेशनल, ओके. कौन मुझे सारे टाइप के मोशंस बताएगा? हु कैन टेल मी ऑल, हु कैन टाइप एंड टेल मी? कौन बता सकता है सारे टाइप के? कौन कौन से थे? टाइप करो, टाइप करो. यस, ट्रांसलेशनल, सर्कुलर, रोटेशनल एंड रोलिंग. हमने ये पढ़े थे, ठीक है. देखो ये सारे एग्जांपल्स है, राइट? Projectile is also example of property gives like a translational. Projectile property is like translational only. In sare the projectile of iske andar hi dalo. Projectile is also similar to translational. Property wise. ठीक है, इसमें क्या first property क्या है? There is no axis. Object का कोई axis ही नहीं है. And all objects have same acceleration or same speed. All particles have same speed. Circular में क्या है? There is an axis. There is an axis. But axis is outside body. Axis is outside body. और इसमें एक और property क्या होती है? All particles have different speed. अब रोटेशनल के मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक दो तीन चार. रोटेशनल में क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड बॉडी एंड इट इज
fixed, and it is fixed. It is fixed either, it is fixed either both sides, या तो दोनों साइड से फिक्स होगा. In case of this pen, it is totally fixed. Potter में भी जो ये pot है, इसमें भी दोनों साइड से फिक्स है. Either fixed from both sides. In case of ये figure A ले लो, sorry, figure B ले लो and figure C. तो बी और सी दे लो, बोथ साइड से फिक्स है. और आइदर फिक्स फ्रॉम वन साइड. वन साइड कौन सा? टेबल फैन. देखो टेबल फैन है ये लट्टू, टेबल टॉप. टेबल टॉप का एक साइड से फिक्स है, दूसरे साइड से मूव हो रहा है. वैसे ये क्या हो गया मेरा? टेबल फैन. तो वन साइड से फिक्स है, एक साइड से मूव हो रहा है. ए और सी फिगर ले लो, राइट. तो थोड़ा और इसका स्प्लिट कर देता हूँ. Yes. यहां तक आ रहा है समझ में? और इसमें स्पीड डिफरेंट? नहीं नहीं, इसमें भी स्पीड डिफरेंट होती है. ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड. अब देखो रोलिंग में क्या है. रोलिंग हैज, दे हैव एक्सिस, दे हैव एक्सिस, बट एक्सिस इज मूविंग. एक्सिस इज मूविंग. एग्जाम्पल रोलिंग स्टोन. फिर ये क्या है? रोटेट हो रहा है. ये साइकिल का एक्सिस से मूव हो रहा है. यस दे दी. और ये एक है. ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन. द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवटेड और फिक्स्ड इन सम वे. द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवटेड और फिक्स्ड ऑन वन वे. Is translational, rotational, rolling both A and C. देखो pivoted नहीं है, fix नहीं है एक जगह से. देखो translational होगा, क्या वो rolling भी होगा? Rolling में भी axis fix नहीं होता. Can I say rolling also? So both A and C, these dance. देखो translational में तो axis ही नहीं होता. There is no axis. There is no axis, or axis is not pivoted. Pivoted मतलब क्या? Pivoted मतलब fan में नहीं होता. Pivoted मतलब एक point से पकड़ के रखो object को. जैसे दरवाजा है, wooden. ये दरवाजा भी क्या है? दरवाजा भी क्या है मेरा? एक axis से क्या है? Pivoted है. ये pivoted है, जुड़ा हुआ है. कील से जोड़ देते हैं. पाइवट मतलब क्या? एक जगह से जोड़ देना, फिक्स कर देना, और दूसरी जगह से मूव करना. सपोज अगर ये पाइवट ही नहीं होगा तो क्या होगा? दरवाजे को धक्का मारोगे तो आगे गिर जाएगा, राइट. क्यों ऐसे मूव होता है? क्योंकि पाइवट है. अगर ऑब्जेक्ट का पाइवट ही नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट का पाइवट ही नहीं है, मतलब कौन सा मोशन होगा? देयर इज नो पाइवट. इट कैन बी ईदर ट्रांसलेशनल और इधर इट कैन बी अ रोलिंग. आया समझ में? कितनों को आया समझ में? देखो रोलिंग इज नॉट ट्रांसलेशनल, इट इज अ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. दोनों अलग अलग है. देखो ट्रांसलेशनल मतलब क्या? एक डब्बा खिसक रहा है. रोटेशन मतलब क्या? एक रोलिंग मतलब एक बॉल रोल हो रही है. दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है. ट्रांसलेशनल रोलिंग में फर्क है एक्चुअली. ठीक है, तो इसका आंसर होगा, मैं पूरा क्लीन कर देता हूं, बोथ ए एंड सी. मोशन ऑफ बॉडी विच इज फिक्स्ड और पाइवटेड क्या होगा? सिर्फ रोलिंग. देखो सॉरी रोटेशनल, सिर्फ रोटेशनल. रोलिंग के लिए पाइवट नहीं होगा. पाइवट कर दिया तो कैसे रोलिंग होगा? पाइवट कर दिया तो कैसे रोलिंग होगा? पाइवट मतलब क्या? उसके एक्सिस को पकड़ लेना. फैन
फैन के एक्सिस को पकड़ लेते हैं, दरवाजा, ये पॉट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज ये मेरा एक फैन है, अभी क्या है रोटेशनल, सपोज इसका ये डंडा टूट जाता है, सपोज इसका डंडा टूट जाता है, सपोज ये डंडा टूट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सुदर्शन चक्र की तरह उड़ने लगेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये रोलिंग हो जाएगा, ट्रांसलेशनल भी हो रहा है, रोल भी कर रहा है। तो देखो जब आपने एक्सिस को पकड़ लिया, एक्सिस को पकड़ लिया तो सिर्फ रोटेशनल हो सकता है, उसके हाथ बांध दिया आपने, आपने उसके हाथ बांध दिया, वो बस एक ही गोल गोल घूम सकता है, ठीक है ना, रिमेम्बर दिस। ठीक है, आज मैं आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बस थोड़ा टाइम है, 20 मिनट्स पढ़ाऊंगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सी अभी हम रोटेटिंग बॉडी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस बॉडी रोटेटिंग बॉडी। सी जिस तरीके से लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है, राइट, लीनियर मोशन हैज इनर्शिया, नहीं ऐसा नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव, फैन नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है तो नीचे जाएगा। देखो लीनियर मोशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसमें मास होता है कि नहीं, मास होता है, और मास क्या देता है, इनर्शिया देता है, राइट। वैसे ही रोटेटिंग बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन नॉट रोलिंग, रोटेशनल मोशन में भी इनर्शिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है मास ऑफ अ बॉडी, दूसरा होता है डिस्टेंस ऑफ अ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आई कैन डायरेक्टली राइट रेडियस। सो ये मेरा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मास, और सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बहुत ईजी है निकालना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज मेरी एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद, और एक चीज बताना भूल गया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका मास स्केलर होता है, सपोज ये 10 kg का मास है और इस डिस्टेंस ये आर है सेंटर से, एक्सिस से, कितना 2 meters। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम क्या है मास ऑफ अ बॉडी, आर क्या है रेडियस फ्रॉम एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। I क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 केजी मीटर स्क्वायर, जो एम आर स्क्वायर है, इसलिए दिस इज वॉट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज वॉट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉम, वी कैन से इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ, ये फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास। यहां तक कितना को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, ठीक है।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज रोटेशन, इट इज अ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इट इज अ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो रोटेटिंग बॉडी है, उसके इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विल डिसाइड माई रेडियस. एक्सिस ऑफ रोटेशन विल डिसाइड माई रेडियस. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. सपोज आई हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, ऑन अ सर्कुलर रिंग. देखो रेडियस डिपेंड्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल डिटरमाइन द रेडियस. है ना, ठीक है. दे आर मूविंग, सपोज थ्री मासेस M1, M2, M3 आर रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ प्रीवियस स्पीड्स. Three masses M1, M2, M3 are rotating on a circular path. Of radius R. Suppose a R. Ab suppose M1 is 5, M2 is 3. M3 is 4, R is 2. Can you find moment of inertia of system? क्या हो जाएगा moment of inertia? सबका add कर दो. I1 plus I2 plus I3. I1 क्या हो जाएगा? M1 R square, right? 5 into 2 square. I answer. प्लस देखो यूनिट के साथ 700 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 48. 20 प्लस 18 4 3 जा 12 प्लस 16 48 केजी मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर नहीं, एमआर स्क्वायर है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर. कितनों को बनाइए? ओके स्टूडेंट, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस. क्या अटेंडेंस एग्जाम की वजह से कम है? आई एम जस्ट आस्किंग योर सजेशन. क्या आप सबके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम्स आने वाले, पढ़ाई का प्रेशर है, कुछ दशहरा है इसलिए? एपीएस का एग्जाम है, कल ही है सर एग्जाम. ओ
यू ऑल आर ग्रेट स्टूडेंट, आप सब आ गए. तो जब तक ये एग्जाम है मैं ये चैप्टर खत्म करवा देता हूँ, ताकि जब एग्जाम खत्म हो तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, नहीं तो बच्चे बेचारे टेंशन जाएंगे. ठीक है, अब आप बताओ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular ring of mass m and radius r. What is the moment of inertia of a circular ring of mass m and radius r such that the axis of rotation is the axis of ring. Axis of rotation is the axis of ring. एक्सिस ऑफ रिंग मतलब क्या? सपोज मेरे पास एक रिंग है, देखो तो रिंग के सेंटर से जाती है परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. कितनों को पता है ये एक्सिस ऑफ रिंग? कोई पढ़ा है आपने ये? एक्सिस ऑफ रिंग अब पता चला, सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है, दिस एक्सिस ऑफ रिंग. Suppose this axis of ring is only the axis of rotation. मतलब मैं ring इसके along rotate हो रही है, इस axis के along ही rotate हो रही है. This is the axis of rotation. Suppose this is the axis of rotation. So it rotates on its own axis. Yes, it rotates on its axis. ये मेरी circular ring है. थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, या फिर इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं. वर्टिकल थोड़ा अच्छा लगता है देखने, हॉरिजॉन्टल भी गलत नहीं है. सपोज ये रिंग है, ठीक है, इसका एक्सिस, ये रिंग है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस आर है. इस रिंग का मास कितना है? इस रिंग का मास m है. व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस. एक स्मॉल मास लो, ये स्मॉल मास m1 ले लिया मैंने, इसका डिस्टेंस क्या हो गया? r. फिर एक स्मॉल मास m2 ले लिया, उसका डिस्टेंस क्या? आर. वैसे मैं सारे स्मॉल मास लूंगा, तो देखो आई वन इज इक्वल टू एम वन आर स्क्वायर, आई टू इज इक्वल टू एम टू आर स्क्वायर, तो आई एन इज इक्वल टू एम एन आर स्क्वायर. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सब मासेस का सम, सब इनर्शिया आर स्क्वायर. हाँ, थ्री एम आर स्क्वायर. फाइनली क्या होगा? एम वन आर स्क्वायर प्लस एम टू आर स्क्वायर प्लस एम थ्री आर स्क्वायर, ऐसे करते करते एम एन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम एन, ये सारे मासेस का सम क्या हो जाएगा? व्हाट दिस होल मास विल बिकम? दिस होल विल बिकम टोटल मास कैपिटल एम. क्या आ जाएगा? कैपिटल एम आर स्क्वायर. So moment of inertia of the ring will be what? Mass of the ring. कितनों का आया समझ में?
This moment of inertia of a ring. ठीक है, अब थोड़ा इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन से करते हैं। ये तो आई गया आपको, यस ये आंसर है। थोड़ा सर लास्ट का नहीं समझा। अब देखो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबका सम होता है, इनिशियल सबका सम होता है कि नहीं, सबका सम होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, एम वन आर स्क्वायर ये पहले का इनर्शिया, एम टू आर स्क्वायर दूसरे का इनर्शिया, वैसे एम थ्री आर स्क्वायर, वैसे टोटल एम एन है, टोटल एम एन है, एन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एम एन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एम एन तक जा रहा है। ठीक है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एम एन, इन सबका सम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। ये सब मिलके वापिस मास ऑफ रिंग बनेगा कि नहीं, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, आया हर्षल, रेडियस टू आर क्यों होगा, रोटेट कहां से हो रहा है, एक्सिस, एक्सिस से देखते हैं ना रेडियस। जिस एक्सिस से रोटेट हो रहा है, एक्सिस क्या है, व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस ये है ना, इससे डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का आर। अब देखो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेशन से करेंगे। ओके, आपसे, आप में से कितनों ने ये कभी देखा है लाइव, ये है क्या, व्हाट इज दिस, कितनों ने सुना है फोर स्ट्रोक इंजन, यस इंजन है ये। इंजन, इंजन मैं आपको बताता हूं हाउ इट वर्क्स, नॉलेज के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज देखो ये फ्यूल पाइप आ रही है आपकी व्हीकल की, राइट, और यहाँ पे स्पार्क प्लग रहते हैं, कई व्हीकल में स्पार्क प्लग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल आता है, पेट्रोल आता है इस चेंबर में, जैसे चेंबर में पेट्रोल आता है ये कंप्रेस होता है, और ये इतना हाई कंप्रेस होता है कि फ्यूल बस्ट होता है, जैसे फ्यूल बस्ट होता है ये ऊपर जाता है, फिर वापिस नीचे आता है तो फ्यूल बस्ट होता है, फ्यूल बस्ट होता है ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर फ्यूल जलता है फिर ऊपर जाता है, और इससे क्या होता है आगे पीछे ये ऊपर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, टायर, मेरा टायर क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। इस तरीके से गाड़ी का इंजन वर्क करता है, दिस नोन एज फोर स्ट्रोक इंजन। अब देखो देयर इज समथिंग नोन एज फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील इज अ ऑब्जेक्ट हैविंग वेरी बिग रेडियस एंड वेरी गुड मास, रिवर्स में क्या होता है, मतलब स्पार्क प्लग, देखो कई व्हीकल्स में स्पार्क प्लग भी यूज होते हैं इग्निशन के लिए, इवन स्पार्क प्लग इज यूज फॉर इग्निशन इन सम व्हीकल्स, इन सम व्हीकल्स स्पार्क प्लग इज जस्ट यूज फॉर बिगनिंग द मोशन इंजन का, एक बार इंजन चल गया, कई बार स्पार्क प्लग क्या करता है, फर्स्ट कंबशन देता है। अच्छा, गाड़ी जब रिवर्स लेते हैं तो इसका मोशन उल्टा हो जाता होगा, इसका मोशन ठीक रहता है, गियर्स लगते हैं, गाड़ी में गियर्स होती है, गियर्स अपना ओरिएंटेशन चेंज कर देती है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तो आपको आएगा समझ में, काफी इंटरेस्टिंग है।
सर ठीक है। अब ये फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील का क्या काम है? देखो कई बार क्या होता है, कंबशन में काफी वो हो जाता है अनसर्टिनिटी, कई बार ज्यादा कंबशन होगा, सेम टाइम कंबशन विल बी मोर, सम टाइम कंबशन विल बी लेस। तो अगर आपका डायरेक्ट टायर को मैंने कंबशन सिस्टम लगा दिया तो आपको झटके पड़ेंगे गाड़ी को, गाड़ी को क्या पड़ेंगे, झटके पड़ेंगे, झटके मार मार के चलेगी, झटके मार मार के, कंबशन कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या होता है, एक फ्लाईव्हील लगाते हैं, बहुत बड़ा फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील क्या करता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, विच इनर्शिया, सर्कुलर इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डोंट वॉन्ट रोटेशन स्पीड टू चेंज, दिस स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, आई डोंट वॉन्ट ऑब्जेक्ट स्पीड टू चेंज, राइट, ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड में चल रहा है उतने में चलना चाहते हैं, राइट, डोंट वॉन्ट इट टू चेंज। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो सर्कुलर रोटेटिंग बॉडी है, जो सर्कुलर रोटेटिंग बॉडी है वो भी नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती कि उसका इनर्शिया चेंज हो। तो क्या होता है, जब कंबशन सिस्टम में जर्क लगते हैं, जब कंबशन सिस्टम में जर्क लगते हैं, कंबशन सिस्टम में जर्क लगते हैं तो क्या होता है, ये फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब जर्क्स, फ्लाईव्हील क्या करता है, एब्जॉर्ब जर्क। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे वो गाड़ी स्मूथली चलती है, इंजन से गाड़ी स्मूथली चलती है। How many of you could understand this? What I explained? कितनों ने फ्लाईव्हील देखा है कभी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साइड में बड़ा चक्कर चल रहा है, सोचो कि क्यों लगा दिया इसको? कभी आपने देखा है टेलर मशीन, जो टेलर एक हाथ से घुमाता है दूसरे साइड में बहुत बड़ा सा चक्कर लगा देता है, आप सोचो कि दूसरा क्यों लगाया? कभी आपने देखा स्विंग मशीन में, स्विंग मशीन में देखो, स्विंग मशीन कैसे रहती है, मीटर लगा रहता है, ये ऐसा आता है, ये ऐसा आता है, एक छोटे से में हैंडल है, चलो ठीक है हैंडल, एक बड़ा सा लेफ्ट साइड में लगा रहता है, आप सोचते हो कि क्यों लगा दिया इधर, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इट मेंटेन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, बहुत स्मूथली नीडल अप डाउन जाएगा यूनिफॉर्मली, क्यों, क्योंकि इनर्शिया मेंटेन करके रखता है, नहीं तो क्या होगा, आपका नीडल कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, ऐसे ऐसे होगा। वैसे आपने मोटर में भी देखा होगा, पहले तो पुरानी मोटर्स आती थी, पता नहीं कितनों ने देखी है, पुरानी मोटर्स के भी साइड में लगा रहता था, किसी ने देखी है मोटर पुरानी, बड़ा सा चक्कर देखिए, जनरेटर पे भी लगता है, कितनों ने देखा जनरेटर पे भी व्हील लगा देता है, गांव में जनरेटर पे एक व्हील लगा देता है, अभी भी लगा देता है, बड़ा सा व्हील रहता है जनरेटर पे, नहीं देखा आपने, उसका भी काम यही होता है। देखो वो व्हील क्या करता है, अब देखो जनरेटर में सेम, देखो जनरेटर भी ऐसी कंबशन देता है, जनरेटर भी ऐसे ही कंबशन देता है, उसमें भी क्या होता है, ये सांप घूमता है मैग्नेट के अराउंड। अब देखो ये क्या, अगर मैं इसको मैग्नेट, इसके सराउंड मैग्नेटिक मैग्नेट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम, ये सॉफ्ट हो गया, साउंड राइट साइड में मैग्नेट्स लग गए तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कंबशन इम्प्रॉपर है तो करंट फ्लक्चुएट होगा, करंट फ्लक्चुएट होगा, तो एक फ्लाईव्हील लगा देते हैं। फ्लाईव्हील क्या करता है, जनरेटर का मोशन है, जो मोशन है वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म रखेगा, यूनिफॉर्म रखने से क्या होगा, करंट फ्लक्चुएट नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। इसलिए ट्रेन को भी, ट्रेन में हर हर बोगी में लगाते हैं फ्लाईव्हील दो तीन जगह, क्यों, ताकि ट्रेन बहुत स्मूथली चले, ट्रेन मूव्स वेरी स्मूथली, ताकि कोई झटके ना पड़े। देखो इंजन बहुत हाईली पावरफुल इंजन होता है ट्रेन का, अगर उसमें थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो क्या होगा, झटका पड़ेगा पैसेंजर को, लेकिन उसमें फ्लाईव्हील्स लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ फ्लाईव्हील वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या होता है, चाहे इंजन में झटके पड़ रहे हो फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया और आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, कितनों को समझ में आ गया एक बार बता दो मुझे, अभिषेक आया, साहिल, गौरव, अन्वय,
मेघा देदी पृथ्वी सुदेश साहिब आ रहा है आपको? ठीक है मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ, GIF अगर होंगे तो आप थोड़ा समझ पाओ, पता नहीं। देखो कभी भी कुछ विजुलाइज करना हो ना आपको लाइफ में, आप क्या किया करो, गूगल पे जाए करो, अब देखो आपको कुछ टॉपिक को विजुलाइज करना है। तो देखो मोमेंट फ्लाईव्हील, जब मैं फ्लाईव्हील पढ़ाता राइट, फ्लाई व्हील GIF टाइप करो, इमेजेस में जाओ, दोस्तों आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर देगा मोशन। देखो ये फ्लाई व्हील है, सर किसी दिन अरोरा ठीक है, कभी फ्री टाइम में बता दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन बैंक सेंड कर दूंगा, मैंने आपको इसे क्वेश्चन बैंक नहीं भेजा राइट, आई सेंड यू क्वेश्चन बैंक फॉर रोटेशन। अब देखो ये दिख रहा है आपको नीचे ये पोर्शन, ये क्या है बड़ा सा, ये दोनों क्या है बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ये नीचे फ्लाई व्हील है दिख रहा है, ये फ्लाई व्हील है और ये भी एक फ्लाई व्हील है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेंटेनिंग द इनर्शिया। अब देखो ये बड़ी मशीन दिख रही है, ये बड़ी मशीन क्या है, फ्लाई व्हील है, इसमें इतना बड़ा फ्लाई व्हील क्यों लगाया है, व्हाई दे केप्ट सो बिग फ्लाई व्हील। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कार जब फैक्ट्रीज रहती है उसमें हर चीज एक सिस्टम से चलती है कि 5 सेकंड बाद आपको ये ऑब्जेक्ट लगाना है, 5 सेकंड बाद आपको चिप डालनी है, 5 सेकंड बाद उसको बॉडी लगानी है, अपने मशीन से चलता है। अगर गलती से मशीन की स्पीड अप डाउन हो गई जो मेन मशीन है तो क्या होगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब मोबाइल बनाना चाहते थे पता नहीं क्या बन के आ जाएगा, तो क्या करते हैं फ्लाई व्हील लगाते हैं कि जो मशीन है फैक्ट्री की उसमें थोड़ा फ्रिक्वेंसी आगे पीछे भी हुई तो फ्लाई व्हील, जो बड़ा सा फ्लाई व्हील है क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दिस फ्लाई व्हील विल एब्जॉर्ब। अब देखो ये भी फ्लाई व्हील है दिख रहा है आपको, This is also flywheel. ये देखो एक flywheel है, बड़ा-बड़ा। ये क्या करता है? Suddenly change in speed को absorb कर लेता है। देखो ये बड़ा-बड़ा flywheel है। तो क्या करता है? ये absorb कर लेता है sudden change in frequency of rotation को। ठीक है? I hope आपको समझ में आया इतना। ठीक है? चलो ठीक है। यस हर जगह रहता है, साइकिल के टायर बड़े क्यों रहते हैं, बड़े रहते हैं तो फायदा रहता है, क्यों फ्लाई व्हील रहता है ऊपर दोनों। मैं आपको क्वेश्चन बैंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, आज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो नेक्स्ट टाइम, क्लास खत्म हो गई, अभी टाइम हो गया है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सर्कुलर मोशन को और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।